इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना से नष्ट फसलों का मुआवजा देने की मांग। ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलें शीघ्र सर्वे का मुआवजा देने की मांग है। किसान कांग्रेस ने मुरैना में प्रदर्शन किया है, राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस ने भाजपा पर दोहरी नीति का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है, जहां किसानों को नहीं मिल रहा है पर्याप्त बिजली व पानी। किसानों के हित चिंतक का दावा, फिर भी फसलों के उचित दाम नहीं। दो दिन बाद भी ओलावृष्टि का सर्वे नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदा से आधी से अधिक फसलें खराब हो गई है। सरकार ने स्थिति नहीं सुधारी तो आंदोलन होगा, ये कांग्रेस ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जब जब किसान भाइयों फसलें आती हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सस्ते दामों में फसलें खरीदती है। एक जो लूटने ठगने का काम 18 वर्ष से प्रदेश के अंदर चल रहा है। माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि किसानों को फसलों के दाम अधिक मिले, समय पर बिजली पानी मिले, सस्ते दामों में बिजली मिले, डीजल पेट्रोल रसोई गैस जो महंगी कर दी है वो सस्ते दामों में मिले, पर्याप्त बिजली मुरैना जिले में नहीं मिल रही। हाल ही में मुरैना क्षेत्र के अंदर जो ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। सरसों की फसलें में 90% से अधिक नुकसान हुआ है, गेहूं की फसलों में 70% से अधिक नुकसान हुआ है। आज सर्वे करने वाला कोई नहीं है। किसान अपने आप को लूटा ठगा दुखी महसूस कर रहा है। इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए जिला किसान कांग्रेस द्वारा आज मुरैना के अंदर ये सभी कांग्रेस के जनों के साथ मिलकर आंदोलन किया। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे कि बिजली पानी किसानों को समय पर दिया जाए, भरपूर दिया जाए, पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, सस्ते दामों में बिजली दी जाए, रसोई गैस डीजल पेट्रोल सस्ता किया जाए, किसानों की जो फसलों के दाम सस्ते कर दिए, फसलों के दाम अधिक दिए जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मुरैना के अंदर ये ज्ञापन देकर हमने मांग की है कि किसानों को न्याय मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, सस्ते दामों में बिजली डीजल पेट्रोल रसोई गैस मिले। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। सरकार जैसे पीड़ित किसान है, ओलावृष्टि हुई है, अगर सरकार नहीं मानती तो आगे कांग्रेस क्या लड़ाई है? पूरे दुर्भाग्य ये है कि मुरैना जिले से केंद्रीय कृषि मंत्री है, उसके बाद भी पहले का जो अति वर्षा के कारण ओलावृष्टि के कारण जो फसलें नष्ट हुई थी, किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। आज फिर ओलावृष्टि किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, पर दुख की बात यह है कि हमारे सांसद क्षेत्रीय सांसद होने के बाद भी आज तक उन्होंने एक बयान नहीं दिया। कल मुरैना में ही थे, उन्होंने कहीं किसानों को ये भरोसा नहीं दिलाया कि हम आपको न्याय देंगे और आपको मुआवजा देंगे। किसान कांग्रेस के लोग एक लड़ाई लड़ेंगे, अगर हमारे किसान भाइयों के सर्वे नहीं हुए, उनको फसलों के दाम अधिक नहीं मिले, मुआवजा नहीं मिला, बिजली सस्ते दामों में नहीं मिली, रसोई गैस डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं किया, तो आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन इस जिले में किया जाएगा, जिसमें हजारों किसान लोग आकर लड़ाई लड़ेंगे। पर हम अपना अधिकार लेकर इस सरकार से रहेंगे, क्योंकि दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ भगवान राम के सेवक बनते हैं, एक तरफ हनुमान जी की प्रतिमा रखकर नग्न अवस्था में महिलाओं को वहाँ प्रतियोगिताएं कराते हैं। ऐसी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मर्यादाओं की बात करती है, खुद मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है, किसानों को लूटने ठगने का काम कर रही है, नौजवानों को बेरोजगार कर रही है, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।